बड़वानी दीनदयाल रसोई केंद्र में आज खराब सब्जी भेजे जाने के चलते खाना बनाने वाली महिलाओं ने खाना बनाने से इनकार किया है। खिचड़ी बनाकर गरीबों को खाना खिलाया है, जिसके चलते खराब सब्जी को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष ने जांच करने की बात कही। दीनदयाल रसोई केंद्र जो कि पुराने कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने संचालित हो रहा है, जहाँ पर लोगों को मात्र 5 रुपये में भर पेट भोजन की व्यवस्था शासन द्वारा की गई, वहाँ आज कर्मचारियों द्वारा खराब सब्जी दिए जाने से नाराज केंद्र में काम करने वाली महिलाओं ने सब्जी बनाने से इनकार कर दिया। महिलाओं का कहना है कि सब्जी इतनी ख़राब है कि हम बना ही नहीं सकते, आज हमने खिचड़ी बना दी है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष का इस मामले में कहना है कि मैंने CMO को इस मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं उनका यह भी कहना है कि मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है, सब्जी बदली गई है तो कर्मचारियों के आपस का झगड़ा है, आपने निजी स्वार्थ को लेकर कर्मचारी झगड़ रहे हैं, एक अच्छी सब्जी लाता है तो दूसरा बदल देता है, इसके लिए मैं निर्देश दूंगा कि मामले की निष्पक्ष जांच करें और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करें। बड़वानी से अतुल कुमाऊत की। क्या नाम है आपका? जानकी शर्मा। जानकी जी, कहाँ रहते हो आप? सुतार मोहल्ला। क्या काम करते हो? रसोई केंद्र में काम करती हूँ। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? सर आज देखा आके दरवाजा खोल के तो सब्जी ऐसी थी, कैसे बनाए फिर सामने चावल फिर बघारे खिचड़ी बघार दी। कौन देगा ये सब्जी? क्या नाम है? निखिल। नगर पालिका वाले? हाँ सर। कर्मचारी है? हाँ कर्मचारी है। काय के लिए देखे गए? ये यहाँ पे खाना बनता है। फिर आपने क्या करा? अभी नहीं बनाए सर, ऐसी कंडीशन देख के हमने छोड़ दी। अधिकारियों को अवगत करवाया इसके बारे में? हाँ सर। क्या बोले अधिकारी? अभी आएंगे ऐसा बोला। आज खाना नहीं बना, सब्जी खराब दी गई है कर्मचारियों द्वारा। देखिए क्या है, ये CMO और NELM के अधिकारी संजय यादव दो की जिम्मेदारी है कि वो सही सब्जी खरीदे और सही सामान लेके आए और गरीब जनता के लिए अच्छा खाना बनाए, उनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, मैंने भी वहाँ के कर्मचारियों के को निर्देश दिए थे कि आप एक हमारे सब्जी मंडी में, एक सब्जी मंडी में विक्रेता है मंगू पहलवान, उसको मैंने बोल के रखा है कि जब भी इनके पास पैसे नहीं हो, कोई समस्या आए, इनको सब्जी अच्छे वाली दे दिया करना। दूसरा, किराना दुकान मारू की किराना दुकान पे भी मैंने निर्देश दे के रखे हैं कि जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो वहाँ से सामान लेके आया करो। अब हमारे जो कर्मचारी है वो सुबह शाम घूमते हैं, उनकी जिम्मेदारी है सब जगह देखे, काम देखे। अभी आप देख रहे हो मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मैं ये बराबर करवा रहा हूँ, लेवल करवा रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं खड़े रह के काम करवा रहा हूँ। इधर JCP चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ जनता को परेशानी हो रही थी, मैं स्वयं आया और यहाँ काम करवा रहा हूँ। तो मेरे संज्ञान में आया था, मैंने निर्देश दिए हैं कि जांच करें, जांच करने के बाद जो भी दोषी कर्मचारी है उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। मुझे ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ पर कुछ सब्जी बदल दी गई है या ऐसी कुछ जानकारी मिली है कि ये कर्मचारियों का आपस का झगड़ा है, ये कर्मचारी आपस में झगड़ रहे हैं अपना निजी स्वार्थ को लेके, एक सब्जी अच्छा लाता है, एक ख़राब लाता है, एक बदल देता है, ऐसे मुझे जानकारी मिली है। तो मैं इसके निर्देश दूंगा CMO को कि निष्पक्ष जांच करें और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। कहीं ना कहीं ये कर्मचारी नगरपालिका की छवि धूमिल कर रहे हैं। देखिए, जब से सरकार बदली है और नई सरकार बनी है, जब से कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया अनैतिक तरीके से, तब से नगरपालिका परिषद के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं, जानबूझ के इस प्रकार का काम करने के लिए मजबूर करते हैं और नगरपालिका की छवि को धूल में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मैं सतत प्रयास कर रहा हूं कि नगरपालिका की छवि ख़राब ना हो, अच्छे काम हो। और आपको जानकारी है, आरोप लगाते रहते हैं नंदराम कुशवाहा जी वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद कि मैं भ्रष्टाचार कर रहा हूँ, भ्रष्ट हूँ। मेरा उनसे ये खुला चैलेंज है कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस समय इनकी पत्नी पार्षद थी, उसकी जांच कराए तो मालूम पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है। नंदराम कुशवाहा जी क्या बात करते हैं, इन्होंने एक टेंडर लिया था जैन के नाम से 18 लाख का, और 18 लाख के अगेंस्ट MPP का टेंडर था, विद्युत का टेंडर था, उसके अगेंस्ट उन्होंने 42 लाख का भुगतान कर दिया, ले लिया, और 85 लाख बकाया बता रहे हैं। तो ऐसा कौन सा जादू की छड़ी चला के इन्होंने इतने काम एक ही टेंडर में कर दिए, मुझे बताएं। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि पिछली परिषद में जो काम हुए उनकी जांच करा ले और मेरे कामों की जांच करा ले, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसने ज़्यादा भ्रष्टाचार किया है। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।